मुंबई में पिछले साल कोरोना के मोर्चे पर सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही थी धारावी जैसे स्लम एरियाज में, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब झुग्गी बस्तियों के मुकाबले मुंबई में कोरोना की मुश्किलें बढ़ा रही हैं हाई राइज सोसाइटीज। तो मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों में कोरोना का कोहरा, हाई राइज बिल्डिंग्स में कोरोना बेलगाम। इस बार झुग्गी नहीं, बड़ी इमारतों में कोरोना की एंट्री। धारावी इलाके की इन झुग्गियों को देखकर बीएमसी के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आती, उल्टे एक ही वॉशरूम का कई लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इस बार कोरोना का फिर से अटैक हुआ तो सबसे ज्यादा खतरा उन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में पसर रहा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाता है। खतरा इस कदर बढ़ा है कि मुंबई में इमारतों को सील किया जा रहा है। 133 इमारतें पूरी तरह सील कर दी गई हैं, तो 1300 से ज्यादा बिल्डिंग्स को आंशिक तौर पर सील किया गया है। इसके उलट झुग्गियों में सिर्फ 12 कंटेनमेंट जोन है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक आशंका थी कि हो सकता है कि झुग्गियों में कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा हो, लेकिन इससे उलट बात करें मुंबई की, तो मुंबई में आंशिक तौर पर तकरीबन 1300 ज़्यादा बिल्डिंगें जो हैं वो सील की गई हैं। इसके अलावा एक्टिव जो सील बिल्डिंग हैं वो 133 यानी कि 133 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से सील की गई हैं। सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी हाई राइज बिल्डिंग्स में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। यहाँ एक ही सोसाइटी में कोरोना के 22 मरीज मिले, जिसके बाद 4 टावर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। इस सोसाइटी में कुल 30 टावर हैं और करीब 2000 लोग यहाँ रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश में और प्रदेश में मामले बढ़ने की एक कहूँ शुरुआत तो हुई है। नॉर्थ अगर हम डिस्ट्रिक्ट कहें हरियाणा के, जो पंजाब के लगते हुए एरिया के हैं, वहाँ 20-25% के करीब केसेस में इंक्रीज रहा, लेकिन गुड़गांव में अभी भी पिछले उन्हीं 10 दिनों में 25-35 के बीच में ही केसेज आ रहे हैं। ऐसे में खतरा एक बार फिर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इसलिए मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। टीम News Nation.